जमुई जिले के गिद्धौर थाना क्षेत्र के रतनपुर गांव के रहने वाले एक प्रेमी जोड़े ने भागकर मंदिर में शादी कर ली है। शादी के बाद प्रेमी जोड़े ने परिवार वालों के बहस से बचने के लिए जमुई थाना पुलिस के पास शरण ले ली है। हालांकि बाद में जमुई पुलिस ने मामला गिद्धौर थाना क्षेत्र का होने के कारण प्रेमी जोड़े को गिद्धौर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस के द्वारा दोनों के परिजनों को मामले की जानकारी दे दी गई है। प्रेमी सुंदरम कुमार ने बताया कि स्कूल में एक साथ दोनों पढ़ते थे, दोनों एक ही गांव के हैं। स्कूल जाने के दौरान ही दोनों के बीच प्यार हुआ, 5 साल से एक दूसरे से प्यार करते हैं। सुंदरम ने बताया कि जमुई के सुगे इलाके के शिव पार्वती मंदिर में रविवार की रात दोनों ने शादी कर ली। सुंदरम ने बताया कि शादी की जानकारी माता पिता को नहीं दी है, जीवन भर साथ रखेंगे। अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, अगर माता पिता नहीं रखेंगे तो जॉब करेंगे और दोनों साथ रहेंगे। सबसे बड़ी बात, प्रेमी ने यह बताया कि दोनों अलग अलग जाति के हैं, जिसके कारण शादी में समस्या आ रही थी, इसलिए भाग कर शादी कर ली। इसे डर को लेकर जमुई थाना पुलिस के पास पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है, जहां प्रेमिका काजल कुमारी कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। बताया जा रहा है कि प्रेमी सुंदरम कुमार 21 वर्ष के पिता उमरेश कुमार सिंह एवं शिक्षक हैं, और वहीं प्रेमिका काजल कुमारी 21 वर्ष पिता कृष्ण मोहन दुबे गिद्धौर थाना क्षेत्र के रतनपुर इलाके के रूप में पहचान हुई है। दोनों प्रेमी जोड़े को साथ ले जा रही गिद्धौर थाने की पुलिस एएसआई उमेश कुमार ने बताया कि जमुई थाना से सूचना मिली कि एक लड़का और एक लड़की शादी कर लिए हैं। दोनों गिद्धौर थाने के रतनपुर गांव का बताया जा रहे हैं। सूचना पर दोनों को साथ ले जा रहे हैं, दोनों बालिक हैं। दोनों के माता पिता को सूचना दे दी है। इधर सूचना के बाद दोनों के माता पिता गिद्धौर थाना पहुंच गए। वहीं जानकारी ये भी मिल रही है कि लड़की के पिता इस शादी को मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन लड़के के पिता दोनों को अपनाने के लिए राजी हैं। ग्रामीणों की माने तो बुधवार को देवघर में काजल की शादी को लेकर लड़की देखने की तैयारी चल रही थी, और भनक काजल को लगते ही गांव के रत्नेश्वर धाम मंदिर में जागरण देखने के दौरान दोनों लड़का लड़की घर से भाग कर शादी। कैसे आप दोनों में जान पहचान हुई थी? स्कूल जाने के कारण में हम दोनों की जान पहचान हुई। एक दोनों एक ही गांव के हैं, तो स्कूल भी होता है ना पास में, रतनपुर में ही था, तो वही जाना। मतलब बचपन से ही पढ़ाई के दौरान? हाँ, बचपन से। कितने साल पहले से दोस्ती हुई है? हो गया 5 साल 6 साल हो गया, 5-6 साल। माता पिता राजी थे इस शादी के लिए? माता पिता को बताया ही नहीं, तो उनका कोई पता ही नहीं। कल रात में आप लोग? आज रात में। कहाँ पे फिर शादी हुई? सुग्गी के मंदिर में, वहीं पे हम दोनों शादी करते हैं। तब इनको साथ रखेंगे आप जीवन भर? जीवन भर साथ रखेंगे। अभी आप क्या करते हैं? अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं, तो घर में अगर माँ बाप अगर नहीं रखना चाहें तो फिर क्या होगा? फिर जॉब करेंगे अपना जो भी है। क्या नाम होगा पापा का आपका? अमरीश कुमार सिंह। क्या करते हैं वो? शिक्षक हैं। और इनके पिताजी का क्या नाम है? इनके पिताजी का नाम है कृष्ण मोहन दुबे। मतलब दोनों अंतर जातीय होने के कारण तो दिक्कत भी आ सकता है? हाँ, इसी दिक्कत के कारण तो हम लोग को ये करना पड़ा। तो आप लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? थाना कैसे आ गए? थाना आ गए पैदल ही, क्योंकि हम दोनों को लगा यही एक सेफ जगह है, क्योंकि बाद में हो सकता है कि फैमिली वाले वो केस वगैरह होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो आप दोनों अपने से आप लोग थाना आ गए? अपने से। अभी तो आप दोनों के माता पिता ढूंढ रहे होंगे? पता नहीं, मतलब घर में तो इन्फॉर्म कर दिया है, तो ढूंढना तो नहीं चाहिए। फोन उन नहीं आ रहा है? कॉल उन नहीं आ रहा है घर से? कॉल वगैरह उतना नहीं, मतलब ठीक है। तुम जान हुआ था इनसे? ऊपर ऊपर मुड़ी ऊपर करो, मुंडी ऊपर करके बताइए, मुड़ी ऊपर करो, सामने देखिए सामने। अरे सामने देखो ना, हैं? अरे ये जमुई थाना से सूचना मिला कि एक लड़का है, एक लड़की रतनपुर के शादी कर लिया है, उसके सूचना पर हम लोग आकर के इसको ले जा रहे हैं। कहाँ के लड़का लड़की है पता चला? रतनपुर का। दोनों रतनपुर की? रतनपुर का। क्या दोनों बालिक? बालिक है ना? बालिक नहीं, दोनों का एज हो गया। एज हो गया। क्या किया माता पिता को सर? दोनों का माता पिता का सूचना मिल गया। क्या ये लोग शादी कर लिया? शादी कर लिया सुगी मंदिर में। परिचय क्या हो सर हमारा? जी एएसआई उमेश कुमार।